15 दिन से जो मजे ले रहा ना। पूरे 10 लाख रुपए लिए हैं तेरे। ऐश कराएगा तू मुझे, धंधा करवाएगा। मानते हो जेठ, ये साला रावण है, रावण में नहीं, ये कुत्ता है। बताया नहीं, वो में चलेंगे पिएंगे भाई। भाई ये देखो, ये है, ये इसकी लगेगी भवे, जो छोटे भाई की बीवी जिसको कहते हैं। और ये है जेठ, इसका जेठ है ये, दो दिन पहले ही आई थी हमसे। ये देखिए, हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रही है। साला ये हो क्या रहा भाई, इनके चक्कर में हमने इससे पंगा ले लिया, इसको पेला भी हमने, और अब देखो ये कैसे कपड़े पहने। ये क्या है, बीवी जैसी लग रही है, ये कैसे कपड़े, ये वही है, वही है पक्का भाई। उस दिन तो हमसे ये भग गया था, आज नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो, हाँ कैसे कपड़े पहने हो, तो देखो यार, कुछ भी अपने जेठ के साथ में, भाई पति जेल में है इसके, इसके पति जेल में है। ये नालायक अपनी बीवी का ऐसा कत्ल कर रखा, कत्ल किस पे भरोसा करें हम लोग यार, किसका मदद करें हम लोग, ये नहीं समझ में आता भाई। जब आफत पड़ती है ना, तो हमारे पास मैसेज करते हैं कि भाई हेल्प करा दो, ये करा दो, वो करा दो। भैंस ये चल रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना आप लोग, आप लोग कहते हो कि हम गलत कर रहे हैं। आ जाओ देखते हैं जरा क्या मोहब्बत आज की चल रही है इनके, चलेगी क्या बोल रहा है। ये भाई ये जेठ है, पता ना हमारे यहाँ जेठ का क्या महत्व होता है साला। क्या जवाना मोहब्बत चल रहा है, तो जवाना देखो ना, पति जेल में जेठ के साथ मजे। इसका ही तो साजिश नहीं है, है? लग रहा है साला ये दोनों मिलकर पति को जेल भेज दिया। अबे तुम आ गए, ओए ओए ओए, सुनियो तू कहाँ, क्या हो गया बेटा, भग जा, कहाँ तक भगेगा तू, जेठ है ना तुम्हारा, चूतिया बनाती है हम लोगों को, बेवकूफ है, पागल बनाती है तू, एक कैसे कपड़े, कैसे हुलिया बना रखी है अपनी। तेरे पति जेल में है ना 3 महीने से, 3 महीने बाद ये हाल क्या है, ये सब कौन था, वो तुम्हारा जेठी है ना, वो जेठ है, क्या मतलब है, तुम्हें क्या मतलब है। अबे जब हमें मतलब नहीं था, हमारे पास क्यों आई थी फिर, तू ही ना आई थी मेरे पास रो रो के, गिड़ गिड़ा के कि तू मेरा जेठ ऐसा करता है वैसा करता है। आज ये देखियो, ये देखियो इसकी हुलिया, तू बहू कहाँ से लग रही है, मेरी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है। अरे तो उस दिन तेरी लाइफ नहीं थी, आज समझ में आई तुझे ये लाइफ थी, और जब तेरी लाइफ थी तो हमारे पास ऐसे तैसे कराने आई थी तू। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा जेठ है, तुमने तुम दोनों ने मिल के उसको जेल करवा दिया, नहीं अपने मजे के लिए। अरे मुझे सब कुछ दे रहा है, मुझे और क्या चाहिए। सब कुछ छोड़, जो तूने अपने पति के जेल कराई है, तू भी उसमें शामिल है, शामिल है ना, बता ना, नहीं है शामिल, नहीं नहीं हो तो फिर एक चल क्या रहा है, ऐसे तू क्या साबित करना चाहती हो। अरे मैं कुछ भी पहनूं, तुम्हें क्या दिक्कत है। मैडम हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पहनावे ओढ़ावे से हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पहनो मत पहनो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल क्यों, ये जो जेठ के साथ हरकतें कर रही हो, बैठियो एक मिनट, तो बोल क्यों रहे हो इतना। बोलू ना क्यों, मेरा टाइम खराब तूने किया था, तुम ही ने बुलाई थी ना मुझे, इतना बार फोन कर करके कि मेरा जेठ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, मेरे पति को जेल करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, आज देखो बस सब बुल, सब समय बदल छड़े उड़ा रही है आज उसके साथ। अरे मुझे मेरी, मुझे सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है यार। तुझे सब मिल रहा है ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टाइम क्यों खराब किया। अरे ओए यार क्या चाहिए, मंत्री मत बन, लाइफ में सब कुछ चाहिए, क्या चाहिए, हम टाइम पास के लिए बैठे हैं क्या यहाँ। चूतिया लिखा है सकल पे, उस दिन तू ही भगाई थी ना उसे, उस दिन तो भग गया था, आज तेरा क्या होगा, आज मेरा दिल आ गया, आज तेरा, वाह भाई ये साला दिल है क्या है, ये दिल तो किसी पे भी आ जाता है। अच्छा पता ही है ये कैसे हुआ, पहले से बात करती थी ना उससे, वो शादी तुम्हारा वही ना करवाया, पहले से आया है ना, पहले से प्यार था ना तभी ना, पहले से तभी ना शादी के लिए आया था, दिल अभी आ गया। अरे जब इसपे दिल था तो इसी से शादी करती, इसके भाई की लाइफ, इसकी बीवी की लाइफ क्यों बर्बाद करवाया,
तेरे चक्कर में वो पागल हो गया है, झूठा सांड हो गया वो। उससे मुझे अब कोई मतलब नहीं है, भाड़ में। अबे तेरे से हमें मतलब है, हमारा टाइम क्यों खराब किया तूने? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? तेरा दिमाग खराब हो गया बिल्कुल, समझ गई? खराब हो गया दिमाग। अबे तो जब यही आज की तुझे करनी थी तो हमें नहीं बुलाती, ये इतने ड्रामे नहीं करवाती। यार अब आप ही बताओ ना मैं क्या करूं, अब मेरी भी तो मजबूरी है। क्या मजबूरी? क्या ऐसी क्या मजबूरी आ गई अचानक जो उस दिन? अब आप ही बताओ, मेरा पति जेल में है। अब अरे तो पति जेल में तो निकलेगा नहीं हो, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। अब वो मेरा चाह रहा है तो मैंने भी कुछ सोच लिया। क्या सोच लिया? ऐसा क्या मतलब आफत आ गई? अच्छा साथ रहना तुम्हें भाई, जब एक बात होता है चलो ठीक है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मैंने मान लिया, तुम्हें जब साथ ही रहना था तो ये जो तुम्हारे चक्कर में दो लाइफ बर्बाद हो रही है, एक तुम्हारे उसकी बीवी का। गांव वाले तुझे अगर पूछेंगे तू किसकी बीवी है तो ये तू अपने जेठ की बीवी बोलेगी या तू अपने पति की बीवी बोलेगी? दो दो आदमी का पति बनेंगे। गांव वाले मुझे खाने को थोड़ी दे रहे हैं, देगा तो यही। तुम्हारा पति बाहर नहीं आएगा, बताओ ना। पता नहीं कब आएगा। अरे जब ऐसी प्रॉब्लम है अपने घर चले जाओ, अपने मम्मी पापा के पास रहो। क्या सोच लिया तूने? मेरे माँ बाप भी तो मुझे नहीं रख रहे ना। क्या सोच लिया? क्या रहूं, बताओ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं इसके साथ ही रह लूं। मैडम अब चाहे इसको आप मेरी मजबूरी समझ लो, पति के रहते हुए किसी और पति के साथ रहना उसमें भी तुम्हारा जेठ है, लोग तुम्हें पता जीने नहीं देंगे। ऐसे लोगों को ना रखेल बोलते हैं, पता है तुम्हें, जो एक से शादी करके दूसरे के साथ रहे। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, अभी आप मेरी मजबूरी समझ लो या कुछ भी समझ लो, और कोई ऑप्शन है नहीं, और कोई घर मेरे पास है नहीं रहने के लिए। मतलब ये सारी मजबूरी में कर रही हूँ, है ना, करना पड़ रहा है। हाँ, ये तुम्हारे बाप, जो तुम्हारा बाप है जो देख कर तुम्हारी शादी करा, अंधा हो गया, उसको समझ में नहीं आ रही बात। अब उसको समझ नहीं आ रही ना, अब वो मुझे अपने घर में नहीं रख रहे, मैं कहाँ जाऊँगी? ये क्यों भग गया हमें देख कर फिर? अगर ये ऐसी बात है तो ये तुम हमें भी बता देते कि हाँ, ये डर गया, डर के भाग गया होगा। अच्छा ये बताओ वो बात, चलो तुम अपनी ये सारी चीज़ें मजबूरी में कर रही हो या अपने खुशी खुशी कर रही हो? खुशी से नहीं, मजबूरी से, ये मेरी मजबूरी है। अब आपको पता है इंसान मजबूरी में पता नहीं क्या क्या कर जाता है। या मजबूरी में इतना कोई नहीं गिरेगा मैडम, कोई नहीं गिरेगा इतना मजबूरी में जो अपने जेठ के साथ रहना पड़े। और हालात से लड़ना सीखो, ऐसा नहीं कि अगर कोई कुछ बोल दे तो उसी में बैठ जाओ। मेरे पास और कोई घर नहीं कि मैं कहीं और जाके रह लूं। अरे घर नहीं है तो क्या हो गया? देखो इतनी पढ़ी लिखी हो, देखो इतनी बड़ी शरीर है, काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं। अरे काम करो ना, दुनिया भर के बतेरे काम में है, काम है, इज्जत बची रहेगी ना तो पैसे बहुत आएंगे। ठीक है पैसे तो आते जाते रहेंगे लेकिन एक बार जब इज्जत चली जाएगी ना फिर वापस नहीं आएगी। देखो दुनिया का सबसे बड़ा जो दौलत है ना इज्जत है, इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पैसा सब कमा रहे हैं, जो धंधे करते हैं ना वो भी पैसे कमाते हैं, जो मेहनत कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है। आज के टाइम में इज्जत ही, इतने गिरे हुए हरकतें मत करो, कल को दो चार लोग जो भी तू देखे और थूके उनके सामने सर उठा के ना चल पाओ तुम। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। दोस्तों ये देखो, एक मिनट रुको, दोस्तों ये देखिए, ये ना अपने जेठ के साथ ये अपनी ही मर्जी से उसके प्यार के जाल में फंस चुकी है। ये हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, जैसे हमने देखा जैसे सुना वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ अब कह रही है कि मजबूरी में, कोई मजबूरी में इतना भी गिर जाएगा कि अपने जेठ से ही जाके उससे प्यार करेगा, ऐसी ड्रेसेस पहनेगा उसके सामने, ये कोई लोक लाज नहीं है। कह रही है कि मैं दुनिया में क्या करूं, क्या करूं, इतनी बड़ी भगवान ने शरीर दे रखी है और बोल रही है कि मैं क्या करूं। अरे काम बतेरे है, लड़कियां ना बहुत अच्छी अच्छी जॉब कर रही है और अपने ना अपने खुद से कमा कर और चार लोगों को पाल रही है, तुम्हारे अकेले का शरीर नहीं चलेगी। मजबूरी मजबूरी, काम करो, कायर मत बनो। इतना तो तुम्हें भी समझना चाहिए मैडम। मजबूरी, अभी भी उसके साथ रहना चाहती हो? उसके वो जैसे कहेगा वैसा तुम बन के रहना चाहोगी? पता है कुछ दिन बाद ना अच्छे से रखेगा, कुछ दिन बाद बेच देगा वो, घटिया इंसान है वो। मुझे नहीं रहना उसके साथ अब। नहीं रहना नहीं। है यार तुम ये क्लियर करो, रहना है नहीं रहना है? कभी कहती हो कि कोई ऑप्शन नहीं है, कभी कहती हो नहीं रहना है। मुझे नहीं रहना अब,
क्या करूँ, अब उसकी बात ना मानूँ तो वो बहुत मारपीट करता है। अब आई ना लाइन पे, मारता पीटता है। हाँ। ऐसे कपड़े ना पहनो तो मारपीट करता है। तो मतलब ये तुमने ड्रेस है वो अपने मर्जी से नहीं करा? नहीं, जबरदस्ती पहना के लाया। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं है, जो उस दिन जब हम लेके जा रहे थे उसको, तो वो तो भाग गया, तुमने बोला कि छोड़ दो, जाने दो, अब नहीं करेगा, उससे सबक सीख गया, तुम्हारी वजह से मैंने उसे छोड़ भी दिया कि चल जेल में नहीं डाला। आज फिर हमें तो लग रहा है कहीं ना कहीं लोभ लालच है, आज रो रो के सब पड़े। क्या छोड़ क्यों दिया उसको? वही ना, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने छोड़ दी। क्या चाहती हो, उसी के साथ रहोगी? नहीं रहना मुझे उसके साथ। नहीं रहना? अब ये सब अपनी अपनी पसंद से पहना है, उसके पसंद से? उसने जबरदस्ती किया। जबरदस्ती पहना है ऐसा? देखो, अगर तुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि उससे छुटकारा पाने हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करना होगा, पीछे नहीं खींचना होगा मेरे साथ पिछले बार के जैसे। मैं सपोर्ट करूंगी आपको। सपोर्ट करेगी ना? तो इस बार कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, उसे जेल में डलवा के ही छोड़ेंगे हम। ठीक है। बहुत देख लिया उसका नाटक। फिर बाद में ये तो नहीं बोलेगी ऑफ कैमरा कि हाँ छोड़ दो, अभी गलती नहीं करेगा? मैं तो खुद चाहती हूँ उसे सजा हो। वो तो हमने पता ही है तुम कितनी चाह रही हो और क्या हरकतें कर रही हो, वो देखे भी हैं पीछे से। अच्छा, ये और भी कुछ बताया आपको? कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा। क्या बोल रहा था वो? हैं, कुछ नहीं कह रहा था, चल घूमने चलते हैं कहीं, खा पी के आएंगे। अभी तो ना वो तुम्हारे ना कोई उसका मकसद है, ठीक है? अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। डाउट हो रहा था ना, वो कुछ ना कुछ उसके पास मकसद ये है कि वो कुछ ना ऐसे पहना ओढ़ा के तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहता है, उसकी असलियत सामने आई नहीं। पीछा छुड़ाऊं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात मेरे कहने से कर सकती हो क्या? हैं, उसे यहीं पे बुलाओ, फोन कर लो और बुला लो, और ना उसे बोलो कि मैं तुम्हारे साथ अब जीवन में कभी नहीं रहूंगी, ठीक है? एक और प्यार वाली बातें होती खत्म करो, ठीक है? उसे और बताओ ये सब उससे पूछना कि ऐसे बनाने का मकसद क्या है। एक बीबी को, एक बहू को अपने जो घर में रखते अपनी इज्जत को बाहर क्यों छोड़ रहा है, उछाल क्यों रहा है, ये सारी चीज़ उससे जान लो एक बार, वो भी ऐसे बनाकर, ठीक है? और आगे फायदे में रहोगे, कुछ ना कुछ वो चाहता है तुमसे, ठीक है? डाउट तो हो रहा है। जब अपनी बीवी को मार सकता है, अपने सगे भाई को जेल भेज सकता है, तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हो, कल को तुम्हें बेच दे। हाँ, मुझे भी मार सकता है। ये लो फोन, ये लो फोन करके बुला लो, ठीक है? फिर कैमरा हम स्टार्ट हमारे लिए पूछेगा, बोल देना वो लोग चले गए, वो सब चले गए हैं, इसे माइक छुपा लेना, ठीक है भाई? तब तक बंद करो, ठीक है? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। आ जाओ, गए हो भाग्य में? हाँ, गए हो, ठीक है? साले दिमाग खराब कर रहे थे अपना, ठीक है ना? अब चलेंगे वे में और मजे करेंगे, पिएंगे खाएंगे, ठीक है ना? खड़ी हो, खड़ी हो यार, ऐसे ले जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? तो मुझे नहीं बोल रहा, और बता, बस मजे करेंगे, ठीक है ना? हाँ, और बता। देख तुझे है नहीं, घर वाली तो रहेगी तू मेरे भाई की, मगर तू मेरे दिल की रानी रहेगी। अरे तुम मुझे यार ये बताओ कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे मुझसे? शादी भी करेंगे, अभी कितना टाइम हुआ यार, जब तक तुम बोल रहे थे तुम शादी करोगे। 10-15 दिन तो हुए ना, अब शादी करेंगे, मौज करेंगे, क्यों टेंशन करी? तुम तो यार पीछे हट रहे हो शादी तक। मैं सबसे जल्दी करने वाला हूँ। अच्छा, मजे करेंगे यार, मजे करेंगे, मजे करेंगे, ठीक है ना? सही है ना, मजे करेंगे, ऐसे डांस करेंगे ऐसे, ये अच्छा, ठीक है ना? शादी करूँगा पक्की। हाँ, शादी करनी है, 15 दिन बाद शादी करूँगा तेरे से। शादी मुझे कल ही करनी है यार। एक बात बता, बढ़िया जगह करूँगा या मंदिर में फेरे गिर के ले आऊँ? अच्छे से तो बढ़िया जगह तो कल भी हो जाएगी। क्यों, और मंदिर में करेगी कैसे करेगी? तुम्हारे पास कमी थोड़ी है तो मैं जब ही तो कह रहा हूँ, तो मंदिर में सोच रही, बैंकट करेंगे, बैंकट करेंगे, मजे करेंगे, चिंता मत करो, मौज करेंगे, मौज, ठीक है ना? अब थोड़े से है नहीं बात करते हैं, क्या क्या बैठ जाओ, ठीक है? बैठ, आप बता खाने में क्या लेगी?
बोल दे दिल खुल गया साला, कितना भी पैसा बर्बाद हो उसकी टेंशन नहीं, तेरे लिए तो जान भी हजार। अरे जो खिला दोगे वो खा लेंगे यार, तुम्हें भिखारियों की तरह कह रहे, जो खिलाएंगे तो फाइव स्टार होटल में चलेंगे बहन। हाँ। चिकन मकान उधेड़ेंगे। अच्छा। बियर पियेंगे, फाइव स्टार होटल लेंगे, उसमें मौज करेंगे, ऐश करेंगे बिंदास से, फिर रात को चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, मजे करेंगे मजे। और बताओ, हाथ और बताओ जन्म, शादी कब कर रहे हो जल्दी बताओ। बाबू 15 दिन हुए हैं, 15 दिन और रुक जा, शादी करूँगा टॉप टॉप की, मस्त कर गए एकदम दीवानी। कितने टाइम से कह रहे हो, 15 दिन? 15 दिन तो हुए, 15 दिन और रुक जा, तुरंत कर रहा हूँ शादी। यार क्या बात कर रहा हूँ, तुम तो खामखा खींच रहे हो टाइम। 10-20 महीने हो गए, 2-4 साल हो गए। यह बताओ यार, अच्छे से शादी रखूँगा आपको, प्यारी से दुल्हन बनाऊंगा, कैसी बात कर रही हो? टाइम खींचने का क्या मतलब? अरे मैं टाइम नहीं खींच रहा, 15 दिन हुए हैं ना अभी, 15 दिन हुए हैं ना, 15 दिन के अंदर अंदर शादी हो जाएगी, 1 महीना तो हो जाएगा, तो टेंशन है, टेंशन मत ले, मजे करेंगे, तेरे को अच्छे से रखूँगा रानी बना के, ठीक है ना? और बोल जो तेरी इच्छा है, बोल तेरा मूड हो रहा फिर चलने का। कहाँ चलने का? बताया नहीं, वो में चलेंगे, पियेंगे, खाएंगे, मुर्गा लेंगे। मैं नहीं जा रही कहीं भी। अरे तुम यार फिर वही बात कर दी। अच्छा मुझे ये बता, तू मेरे लिए क्या करेगा? यार तेरे लिए मैं इतना कर दूंगा, मेरी जान भी ले ले तू, और बता, जान भी ले ले। जान नहीं चाहिए जान मुझे, तेरी कदमों में रख दूंगा मेरी मुझे जान, जान नहीं चाहिए तेरी। फिर क्या चाहिए, मुंह से निकाल, निकाल मुंह से। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। कितनी चाहिए? सारी, जो भी है, A to Z मेरे नाम करवा। कितनी? एग्रीमेंट करवा अभी के अभी। लिमिट में तो कर दूंगा, लिमिट में नहीं, सारी सारी। हाँ। तेरा बाप आया था देने या तेरी माँ आई थी सारी देने? लिमिट क्रॉस क्यों कर रही है? क्यों, अभी तो बड़ा बोल रहा था। तो जी, मैं नंगा रह जाऊं? मैं तो जान दे दूंगा, मैं तो ये दे दूंगा, सारे कपड़े उतार के तू दे दूं। मेरा तो कच्चा भी नहीं छोड़ दे तू, कच्चा तो छोड़ देगा। तेरे कच्चे से मुझे क्या मतलब? जितना है ना उतना ले ले, तेरी लिमिट से ज्यादा ले ले, 2 फ्लैट तेरे नाम करो। A to Z चाहिए, छोड़ना, भांग खा गई दिमाग में नहीं आकर, तुझे देना पड़ेगा, समझा? देखो मैं पूरी तो मिलने की नहीं तुझे, तू सोच रहा मैं सारा दे दूंगा और मैं नंगा होकर चूतिया के तेरे घूमूंगा और तू मेरे गांड पे लात ऐसे मारेगी? तू जैसे मर्जी घूमी हो, लेकिन तुझे मेरे लिए इतना करना पड़ेगा। शादी करनी है नहीं करनी है बता। अरे शादी तो करनी है, लिमिट से जागते बुढ़ेगी ना तो तेरा भी पत्ता साफ, समझे? नहीं और तेरी जैसे है नहीं, 36 की लहर लगा दूंगा, इतनी ताकत है अपने में। तो मेरे साथ तू क्या कर रहा है? लिमिट में मांग, खेल खेल रहा है क्या? खेल खेल रहा है मेरे साथ? तेरे साथ क्या खेल, खेलता मैंने खेल लिया। क्या खेल खेल लिया? अबे मैंने तो धोखा दे रहा है मुझे, वीडियो भी बना ली तेरी, तू क्या हुआ घंटा भी नहीं देने का? अच्छा हाँ, अरे अब तो मेरा काम बनता है, आती हो आ जाती हो जा, मतलब तू मुझे धोखा दे रहा है, तू मुझे धोखा दे रहा है। जब मैंने अपनी वाइफ को नहीं छोड़ा, तू किस खेत की मूली है बता भाई? ये तो ठीक नहीं कर रहा है। अबे मेरा खेल हो गया सब कुछ, मुझे मेरे नाम चाहिए, मुझे खेल हो गया। अजात फन्ने का बने की वीडियो भी है, दिखाऊं? क्या दिखाएगा, क्या बना रखा है? 15 दिन से जो मजे ले रहा ना, सारा कब्जे में कर रखा है, ध्यान रखी है। यही गलत काम करता है क्या तू? तो तू बहन जो सारी जायदाद मांग रही है, पागल लिमिट से ले, 2 फ्लैट 1 कार दे रहा हूँ तुझे, और बता क्या चाहिए? मुझे सब कुछ चाहिए, इतने में मुझे वो नहीं होएगा। ओए टर्री सी निकल, सब कुछ दे दूंगा तुझे, ज्यादा लिफ्ट डेंट पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सुन ले पहले ही। आवाज दे, तुझे दे दूंगा मैं सारा का सारा, बताऊं किस बात पे दे दूंगा तुझे सारा, जो कल को मेरे साथ खेल खेल ले तू, तुझे सब कुछ देना पड़ेगा मुझे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक लड़का उड़ती फिरेगी। अच्छा तू लगाएगा? समझे नहीं, औकात है तेरी हाथ उठाने की? औकात है तेरी? तू बताएगा, तू दिखाएगा मुझे तो मेरी औकात? ऐसा लहन उठा दूंगा बहुत ज्यादा है, तुझे दिखाऊंगी तेरी औकात, समझा? दिखा दिए जा, आई फन्ने खा बन के सारी जायदाद लेगी मेरी, क्यों ना लू, उस पर मेरा भी हक है। जो तेरे से मुझे चाहिए था बंदे ने ले लिया, अब तू खाली डिब्बा हो गया, अब तू मेरे काम की चीज नहीं रही। देख मेरी रानी सुन ले, इधर उधर की बात मत कर,
तेरे को गोवा ले चलूँगा मैं। अरे गोवा ऐसी ऐश करूँगा, ऐसी ऐश करूँगा, जितनी तू मेरी जायदाद मांग रही है ना उससे ज़्यादा ये बंदा देगा। रानी दिलो जान से ले चलूँगा तुम्हें गोवा, और गोवा में जौन सी बिल्डिंग कहेगी वो मैं दिलाऊँगा तुम्हें, पूरी ऐश करूँगा। क्या पूरी ऐश कराएगा तू मुझे? धंधा करवाएगा? धंधा करवाएगा तू मुझसे? धंधा नहीं कराने का, मैं तुझे ऐश कराऊंगा। उसी को ही धंधा बोलते हैं, समझा? तूने कई बार कलर पर कर लिया, समझी नहीं? तेरे तो मैंने रेट भी लगा दिए और वीडियो भी भेज दी कि चक्कर में है तू, अब तू गोवा जा देगी फ्लैट में। तेरे तो मैंने पैसे भी ले लिए। तू ऐसा नहीं कर सकता, समझो? ऐसे ही कर दिया मैंने, ऐसे ही कर दिया मैंने, समझा नहीं? ऐसी कर दिया, यहाँ बैठ, ऐसी कर दिया। अगर नहीं चली ना तो यहीं से जान से मार दूंगा तुझे, समझा नहीं? पैसा आ चुके हैं मेरे वहाँ से। तू ऐसे नहीं कर सकता मेरे साथ, समझा? ऐसी करूँगा मैं, ऐसी करूँगा। ठीक नहीं कर रहा तू, तुझे एक महीने से कुछ आमंद कर रहा, तेरी समझ में नहीं आती? अब तेरे साथ यही सीन होगा, समझा नहीं? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझा? तू कुछ नहीं उखाड़ सकती मेरा, और मैं तेरा सारा कुछ उखाड़ लिया। वीडियो दिखाऊं? देख देख, तू यह कोई और है नहीं, ये कैसे हैंग होगी? अब तो तेरा बाप भी जाएगा साथ। अब तू यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। अब तू बात को समझ रही नहीं समझ रही? पूरे 10 लाख रुपए लिए हैं तेरे, आगे समझ में? खान के पर्दे खोल ले, पूरे 10 लाख रुपए लिए और तुझे गोवा ले जाऊंगा, वहां पे कुआ ले जाके तुझे, समझी नहीं? और जो हो सके उखाड़ ले, जो भी उखाड़े। एक महीने से ड्रामा कर रखा है तूने, समझी नहीं? समझेंगे नहीं? कहा 10 लाख जूते मारूंगा यहीं पे। ये तो तू तो खरीदे पे भागे, भागे भागे नहीं ना यहाँ पे। इससे तूने फिर बकवास किया मुझे, रुक ना, इसकी सारी कहानियां मैंने सुन ली है। तूने जबरदस्ती इसके साथ खेल रचा रहा है, बहुत बड़ी डायन है तू, डायन है। मार मार मार, इसके साथ कुछ नहीं कर सकता है, इसके साथ यही होना चाहिए। मार, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, बता रहा हूँ, हाथ मत लगा। अब पता चला हाथ कैसे लगाया जाता है, हैं? अब मारना से मार के दिखा। एक लड़की से पिट रहा है, इतना बड़ा गुंडा है रे तू, एक लड़की से पिट रहा है भाई? मैं तो इतना कैसा गुंडा है रे? मैं तो इतना बड़ा गुंडा हूँ, फिर आ गया मैं गुंडा है। सुन, इसकी देन है जो बच गया, इसने छुड़ाया तुझे, शर्म कर। उसके बाद भी तू इसे बेचने की बात कर रहा है, अब कहते तुम भी नहीं बचने क्या? ये गुंडा नहीं है, मवाली है, मवाली। पिछले बार भी नहीं जाता, इसकी रहम बोल। अब कहते तुम बचने के ही नहीं, अब तू देख तू कहां जा पहुंचेगा। चोरों की भांति किसने भागा था? क्या चोरों की भांति हमने भागे थे? हाथ मत लगा, हाथ साले जूता मारूंगा यहीं पे। नाम सुना है ना, समझा नहीं? जूता मत, जूता मारेंगे साले यहीं पे। समझ नहीं आ रहा तुमको? गुंडा है तू, माली है, सारे गुंडा पर तेरे गांड में घुसा दूंगा। दिखाई नहीं दे रहा तुझे? दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, दिखाई नहीं है तो क्या हुलिया बना देने से गुंडा होगा? अरे कलेजा होना चाहिए, कलेजा, पूरा शरीर में कलेजा ही है। तुम भोगने वाले के लिए, तुम भोगने वाले हो, तू करने वाला है। मैं काट के खा जाता हूँ, मैं वो वादा हूँ। कट साला, तू कुत्ता है, कट कट ना भाई, कुत्ता है मेरे से। ओए अब मेरे से चल, बोलने की जरूरत नहीं मुझसे, चल उधर आ। इधर बात कर रहा था ना, चौड़ा हो रहा तू, अब होने इधर। 10 लाख में तूने बेच रखा है, निकलियो फोन। इसी के बदौलत ना, इसी के बदौलत ना, इसकी फिगर अच्छी है, इसकी फोटो वीडियो बना रखा है, चलियो मोबाइल। नहीं डिलीट कर सारा, नहीं जाने का, ले जाओ, हाँ ले जाओ, ले जा, ले जाओ। अब वो नहीं, अब तू भी जाएगा, तू भी जाएगा, अब तू जाएगा। मेरे को भी ले चल, डरने वाला है क्या बंदा ये? तो पिछले बार तेरा साथ चल गया था, कैसी फटी थी तेरी, कैसे भागा था तुम दबा के, भूल गया क्या? कैसे भागा था, मैंने भागा था या तुमने भागे थे, बताओ? तू किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा है, तू किसी औरत को जरिया बना के रखा है, समझ रहे हो? और यहाँ औरत नहीं, इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। भाई मैं सबको लपेटता हूँ, मेरा आगे कोई नहीं टिकता। लपेटता है ना, लपेट, मेरे को लपेट लिया। क्या बोल रहा था अभी, क्या बोल रहा था? इधर आइयो,
क्या बोल रहा था इधर, क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था मैंने गोवा में बेच दिया तुझे 20 लाख में। गोवा में बेच दिया में 20 लाख में बेच दिया है? तेरी बाप की संपत्ति है, तुम्हारे बाप ने दे रखी है, जाएगी तू ले जाएगा? तेरे जाने का पता नहीं है कि तू यहाँ से कैसे निकलेगा, तू उसको ले जाएगा? तू जाएगा बेटा जेल में, जेल यहाँ नहीं रहेगा कि तू ऐसे करेगा। तुम तीनों मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, नहीं उखाड़ सकते, समझा ना? मेरी इतनी बड़ी ताकत है, ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है, समझा ना? भोग रहा तब से। अरे क्यों करते हो सपोर्ट, क्यों मानते हो जेठ? ये साला रावण है, रावण में नहीं, कुत्ता है साला। तू ऐसे ऐसे सपोर्ट मत करो। आवाज नहीं, आवाज नहीं भाई, मंत्री बनने मत, ज्यादा ही बोल रहे अब, समझ में नहीं आ रही है तुझे? मेरी फिरकी ना तो फिरकी बना दूंगा। अच्छा, मेरी फिरक गई ना तो तेरे यहीं पे बना दूंगा भूत, समझ गया? कानून तो अंधा होता है, होता है ना? होती है, कानून अंधी होती है ना? पता नहीं तेरे को होती है, है? किसको, हर किसी को धनिया चाहिए। तू तो उसको भी खरीद लेगा, है? उसको भी खरीद लेगा। कौन नहीं खरीद रहा? वकील को भी खरीद, कौन नहीं खरीदता? जज को भी खरीद लेगा, कौन नहीं खरीदता? अगर कुछ नहीं खरीदता, अगर ऐसा कुछ तो उसी उसी सबूत के लिए फिर देखे, देख तू सब खरीद, फिर लगाया कैमरा, इसको खरीद के दिखा। और तुझे पता ना आजकल मैं देखता हूँ तुझे, मतलब तुम्हारे कौन बचाता है? ताकत चल रही है, तुम इसकी तरह भोगते हो? हाँ हाँ, इसी की तरह। ये जो दिखा कर इसको ब्लैकमेल कर रहा है, इसके फिगर दाम लगवा रहा है, रेट बनवा रहा है इसका, तो सही है भैया? पीछे ना छोड़ना का, मैं जितनी तुम्हारी ताकत उतनी लगा लो बेटा। इस बार ना सुन, इस बार कोई भी आ जाएगा ना तुझे नहीं छोड़ा पाएगा, ठीक है? क्योंकि तुझे पता नहीं कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है। अभी तुम्हारी ऐंठ कभी खत्म नहीं होती है, नहीं बंद नहीं होता, इससे पहले भी भाई, अभी भी बंद नहीं होगा भाई। हाथ जोड़वा ले, हाथ नहीं तू पैर पड़ेगा अभी इसके, इधर बैठे भाई, बंद करवा दो, बंद करवा लो अभी। तो बहुत बड़ा गुंडा हो रहा था तू, तो चौधरी बन रहा था ना, सीधा बन रहा है, तू तो चौधरी हो रहा था यहाँ का। चौधरी नहीं भाई, बंद करवा दू ना ये, अब बंद करो, हाँ जुड़वा, आपसे निकलने का बात खत्म हो गया। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, इनसे इनसे करने आ गई, होस्ट ठिकाने आ गई तेरी, आ गई, बंद करा दूंगा, बंद तो करा दूंगा मैं, लेकिन कैमरे बंद नहीं होगी, तुझे बंद करवाऊंगा मैं, समझ रहा? क्यों बखेड़ा कर रहा है? बखेड़ा कर रहा हूँ, एक लड़की को तूने मोहरा बना के इसके साथ खेल रहा है इतने दिनों से, अब नहीं करने का वही ना कह रहे हैं, तुम्हारी ये बाप की तो संपत्ति है नहीं, सही होती ना तो है? एक बार में समझ जाता कुत्ते की तुम कभी सही नहीं होती। मुझे भरोसा नहीं है तेरी रहेगी, मैं इससे प्यार करता था, आज अब निकलने का। आज इसका बाप नहीं सपोर्ट कर रहा है, इसके माँ नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आज घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ शादी हुई वो साला जेल में है इसको छोड़कर, और इसको तुम लोग खूब बढ़िया से एक मोहरा बना के नचा रहे हो साले मोर की तरह। नहीं तेरे पे तो पैसे की कमी नहीं थी, फिर क्यों? कुछ नहीं है, अब से निकलने का जब वादा कर रहा हूँ मैं, अब वादा कर रहा हूँ। साले नीच है, ये घटिया है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है ये, इसे क्या पता? अब नहीं करूंगा भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, हाथ जोड़ रहा है कैमरे के बदल रहे, जो हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? जो पैसे मैं बोल रहा हूँ, साले इसके प्यार में भी ऐंठ है, फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो, पकड़ने गए? हाँ करूंगा जबरदस्ती, पता क्या कर लेगा? तब से तू जबरदस्ती कर रहा था ना इसके साथ, अब करना बंद कर, ये कहानी बंद कर, बंद तो कर दूंगा। ये ड्रेस का किसने पहना है? क्या इस ड्रेस को? बादशाह आदमी हूँ मैं, इस ड्रेस को, इस ड्रेस को हमने बनाई, हमने बनाई अपने बलबूते में, किस लिए? प्यार करने के लिए, अभी शॉपिंग में वहाँ जा रहे थे, वो में। अच्छा वो में जा रहे, इसकी भी तो राजी थी। अच्छा इसकी भी राजी थी, मेरी तो कोई राजी नहीं थी, वो भी जबरदस्ती ले जा रहे तुम मुझे वहाँ। अरे तुम भी सत्ती सावित्री नहीं बनो, यहाँ पे बोल रही हो कि हमारे पति जेल में है, दुनिया वाले खाने को नहीं दे देंगे, रोटी नहीं दे देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इससे तुम भी मजे ले रही थी, अब बोल रही हो उसका मजबूरी का नाम देके मेरे साथ फंसाना चाहती हो? कोई बंदा ऐसा नहीं है, मजबूरी में क्या कोई गलत कदम उठा लेगा? किसी की जब तक राजी नहीं होती कोई काम नहीं होता, पहले गैर राजी थी, अब तो दोनों को मारे राजी। अरे सुन ना, इसको दोनों को ले चलो, दोनों को बनवा बंद करवा दे थाने में, और दोनों ना ये आएगा ना ये आएगा, जो होगा वही सलट ली जाएगी, और पूरी वीडियो वही दे देते हैं, खत्म कर, चल खड़ी हो, फोन की मत देना, फोन नहीं देंगे ना, उसमें भी हाँ जाएगा ना, तू वही तो सबूत है, फोन लीजिए उससे, चल आ जाओ, चलो बंद कर।